हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो है नोकिया 2 है और इसमें जो प्रॉब्लम है, देखिए जब आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो तो ये वाला सिंबल जो है आता है, यूज द अनअप्रूवल बैटरी मे बी डेंजरियस रिक्वायरमेंट तो यूज जेन्युइन बैटरीज विद दिस डिवाइस। तो इसमें जो है बैटरी प्रॉब्लम है बता रहा है, तो हम लोग इसको खोल के देखेंगे एक्चुअली में क्या हुआ है, बैटरी का प्रॉब्लम है या तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, क्योंकि कस्टमर जो है ला के दिया और इसका जो है पीछे कवर जो है ठीक से नहीं लग रहा है और ये वाला जो है निकल गया है। तो हम लोग जो है इसको खोल के देखेंगे और इसका क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग आज जो है इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा पुराना मोबाइल नहीं है, लेकिन मेरे को कस्टमर जितना बताया कि ये वाला मोबाइल जो है कहीं पे बैटरी उसने चेंज किया था। ठीक है, देखिए इसमें जो है कोई बैटरी चेंज किया था और इसका जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, बैटरी इधर जो है खुला हुआ है। हम लोग जो है इसका बैटरी को एक बार फिक्स करके देखेंगे कि मोबाइल जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है कि नहीं, बैटरी खुलने के कारण ऐसे हुआ था या तो दूसरा कुछ कारण था। हम लोग अभी चार्ज लगाएंगे क्योंकि चार्जिंग लगाने से ही वही सिंबल आ रहा है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। एंड्रॉइड लिखना जो है आ गया, तो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आता क्यों है। पहले देखते हैं ये बैटरी जो है ठीक है कि वही सिंबल आता है। अगर देखिए ये जो है बैटरी ठीक है, ओनली फॉर ये जो है बैटरी रिमूव हो गया था, इधर से जो है कनेक्टर खुल गया था और इसलिए जो है वो वाला जो है लिख रहा था। ठीक है, इसका जो है प्रॉब्लम ठीक हो गया। अगर आपका कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर ये जो बैटरी कनेक्टर है और ये जो पत्ता है, अगर इधर कोई भी कट जाता है, इधर उधर लग के अगर कट जाता है, अगर निकालते हुए कट गया या तो कहीं पे मोबाइल गिर गया, ऐसे खींच के नीचे प्रेशर होके इधर जो है कोई भी कट आ गया, तो आपका जो है ऐसे प्रॉब्लम दिखाता है। या तो अगर आपका मोबाइल कभी भी पानी में गिरा है या तो वाटर डैमेज हुआ है, ये जो बैटरी का कनेक्शन है इसमें जो चार पॉइंट है इसमें अगर ठीक से टच नहीं हो रहा है, ठीक से जो है मतलब कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, तब भी ये जो प्रॉब्लम है आता है। आपको पहले क्या करना है, मोबाइल को खोल लेना है और इसका जो बैटरी का मतलब कनेक्टर है अच्छा से साफ कर देना है। अगर मतलब आपके पास थिनर तो होगा, अगर आप सर्विसिंग करते हैं तो आपके पास थिनर तो होगा, तो आप जो है मतलब उसको जो है थोड़ा सा थिनर दे के अच्छा से ऐसे करके साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद उसको आराम से देखिए इधर जो है साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद इसको भी बैटरी कनेक्टर को भी थोड़ा अच्छा से, अगर वाटर डैमेज हुआ ऐसे करके अच्छा से साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद इसको जो है देखिए बैटरी जब कोई एक बार निकल के दूसरा बार लगाता है ना, तो इसके नीचे जो है ग्लू नहीं देता है, तो इसलिए क्या होता है ना, बैटरी जो है आराम से स्लिप होके और खुल जाता है और बार बार ऐसा जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्लू लगा देना है। जब आप ग्लू लगा दोगे तो ऐसा प्रॉब्लम जो है और आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो साइड में ऐसे करके ग्लू लगा देना है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जो है देखिए ऐसे जो है ग्लू लगा देना है। ठीक है, ये जो है डिस्प्ले वायर है, डिस्प्ले पत्ता है, डिस्प्ले पत्ता के ऊपर आपको ग्लू नहीं देना है क्योंकि अगर चिपक गया तो और खुलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे लगा देना है और लगाने के बाद बैटरी को थोड़ा सा ऐसे अच्छा से ऐसे कर देना है, अच्छा से चिपका देना है और चिपका के ये जो बैटरी कनेक्टर है उसमें आराम से फिक्स कर देना है और फिक्स करने के बाद थोड़ा देर सूखने देना है, क्योंकि जब ग्लू जो है सूख जाता है तब जो है टोटल फिक्स हो जाता है और इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके कोई भी नोकिया मोबाइल को ठीक कर सकते हो। देखते हैं हम ये मोबाइल जो है ऑन होता है कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं। देखिए बैटरी जो है चार्ज है और मोबाइल जो है ऑन हो गया। ठीक है, तो
आपको पता चला क्यों जो है बैटरी का ऐसा प्रॉब्लम आता है? दो कारण से आता है, अगर आपका ये कनेक्टर खराब हो जाए या तो इधर जो है कट लग जाए, अंदर में अगर कट लग जाए तभी जाके ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखिए मोबाइल जो है ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे देखना है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखिए नोकिया का ट्यून आ गया। ठीक है, देखिए मोबाइल ऑन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।